मीरा भाईंदर में इलेक्शन की तारीख नज़दीक आ रहा है, जिसको देखते हुए सारे पार्टियां चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। जैसा कि आपको भी पता होगा कि मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी काफ़ी सक्रिय नज़र आ रही है। चुनाव आने वाला है, इसलिए भाजपा के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले खुद मीरा भाईंदर में आकर यहां लोगों का संज्ञान लिए। इसी के अवसर पर मीरा भाईंदर में बीजेपी कार्यकर्ता मेलावा भी रखा गया था, जिसमें पार्टी के हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे और कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से मिलकर चंद्रशेखर बावनकुले ने लोगों के मन में काम करने का उत्साह भर दिया है। और इतने बड़े कार्यकर्ता मिलावा में अगर बीजेपी में कोई पक्ष प्रवेश नहीं किया तो कार्यक्रम कुछ अधूरा सा लगता है। तो आपको बता दें, कार्यकर्ता मिलावा में भाजपा में कई लोग पक्ष प्रवेश किए और उसमें से एक है विवेक चौबे, जिला सचिव युवा मोर्चा के विवेक चौबे ने भी कई लोगों का भाजपा में पक्ष प्रवेश कराया। प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले, आमदार प्रवीण दरेकर, प्रदेश सचिव अखिलेश चौबे और जिलाध्यक्ष रवि व्यास, इनके मार्गदर्शन में जिला सचिव युवा मोर्चा विवेक चौबे के नेतृत्व में कई लोग भाजपा में पक्ष प्रवेश कराया। और आपको बता दें, जो लोग शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के पक्ष में थे, ऐसी माजी नगर सेविका शुभांगी कोटियन और समाज सेवक साहिल अरोरा भी अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में जाहिर प्रवेश किए और ये भी विवेक चौबे के नेतृत्व में ही प्रवेश किए। तो आइए बात करते हैं विवेक चौबे से और उनसे जो भाजपा में पक्ष प्रवेश किए, शुभांगी कोटियन जो अभी भाजपा में पक्ष प्रवेश कर चुकी है, उनसे भी आइए बात करते हैं। प्रथम मेरा नाम विवेक चौबे, मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का जिला सचिव हूँ। मेरे नेतृत्व में नहीं, कहीं ना कहीं आज जो ये पक्ष प्रवेश हुआ है वो मोदी जी से प्रेरित होकर, उनके कार्यों से प्रेरित होकर ये पक्ष प्रवेश हुआ है। और जहाँ तक पक्ष प्रवेश की बात है तो हमारे विधान परिषद के आमदार गट नेता प्रवीण भाऊ दरेकर, प्रदेश सचिव एडवोकेट अखिलेश चौबे और हमारे लोक लाडले जिला अध्यक्ष रवि भाई व्यास, इनके मार्गदर्शन में ये आज का पक्ष प्रवेश हुआ है। और जहाँ तक मेरे को लग रहा है कि हमारे जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आने वाले टाइम में ऐसा ही पक्ष प्रवेश होता रहेगा और हम लोग हमारा उनको समर्थन 100% देंगे। साहिल अरोरा है, मेरा नाम साहिल अरोरा है, मैंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किया आज। और मेरा मानना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो आज के डेट में मोदी जी की कृपा से बहुत बड़े लेवल पे है, विश्व गुरु बनने जाने वाली है, तो मैंने इस पार्टी को ज्वाइन करने का सोचा और मुझे इन्होंने मौका मिला है आज करने का। तो मैं अपने सर जिला अध्यक्ष सर एडवोकेट रवि व्यास और अखिलेश चौबे जी के समर्थन मार्गदर्शन में मैंने ये किया है। भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने के लिए ऐसा कुछ वजह नहीं था मेरा, और यहाँ पे पार्टी जो है ये नंबर वन पे है अभी फ़िलहाल, सब महाराष्ट्र में चल रही है और यहाँ पे अभी सब चल रहे हैं, आप देख रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब जी का और ये सब चल रहा है, शिंदे गट वगैरह ये सब, इसमें हम भी कंफ्यूजन हो गए कि क्या करना है, हमें आगे कैसे बढ़ेंगे हम लोग। इसके लिए मेरा मतलब खुद का ये था कि प्रविजन के आगे क्या करना है मुझे, ये दोनों के पार्टी में मैं हम लोग पिस रहे हैं, आगे कुछ हो नहीं रहा है हमारा, तो इसके लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन ही किया है। जैसे कि मैं प्रवीण दरेकर जी, हमारे आमदार जो है प्रवीण दरेकर जी है और अखिलेश जी चौबे है जो प्रदेश के सचिव है, और उनके सानिध्य में रह के पहले से ही उनके साथ में थी मैं और उन्होंने जो मार्गदर्शन मेरे को किया है वैसे इस हिसाब से हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मेरा तो पहले से, मैं जैसे पहले नगर सेविका रह चुकी 2012 से लेके, तो जितना मेरे को अनुभव है उतना तो मैं आगे बढ़ाऊँगी और जितना मेरा कार्य है वो आगे ज़्यादा से ज़्यादा कैसा होता है वो मैं देखूँ। पार्टी में आने का एक ही मकसद है, सीखना, और ये जो पार्टी है ग्राउंड लेवल की पार्टी है। और मैं देवेंद्र जी फडणवीस से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और हमारे पॉलिटिकल गुरु सम्माननीय प्रवीण भाऊ दरेकर, एडवोकेट अखिलेश चौबे जी, कृपा शंकर सिंह जी, मैं इनके बहुत मतलब बचपन से इनके साथ में रहता हूँ और उनसे मैं प्रभावित होकर आज फाइनली मैं भारतीय जनता पार्टी को चूज़ किया हूँ। भारतीय जनता पार्टी इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी है
और मोदी जी से बड़ा ताकतवर नेता फिलहाल भारत में कोई नहीं है। और मीरा भाईंदर में वन साइड है, महाराष्ट्र में है, और मीरा भाईंदर में जो अब की बार 80 का जो पार का जो नारा लगा है, इसके लिए हम लोग तन मन और धन तीनों चीज़ से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे।